Hi you guys, welcome back to my channel. This is Yashika Mandrai. If you are seeing this face for the first time, then I make videos on fashion, beauty and lifestyle. If you haven't subscribed to my channel, then please do. It motivates me a lot. If you already did, then thank you so much and welcome back. I just hit 1000 subscribers and that's quite an achievement for me because I've been working so hard. और जिन लोगों ने मुझे support किया है, जो लोग मेरे shorts देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो तो जाके देखो. मेकअप है, लाइफस्टाइल है, मेकअप हैक्स हैं. मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ फनी शॉर्ट्स डालती हूँ, बहुत सारे लोग उसे प्यार दे रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज की वीडियो पर आते हैं, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ली है. आज हम करेंगे ये ऑफिस लुक विच इज विदाउट एनी फाउंडेशन. देयर वुड बी नो बेस. और आपको प्रेजेंटेबल कैसे बनना है इन जस्ट 5 मिनट्स. कोई जरूरत नहीं है सुबह उठ के टेंशन लेने की कि आज कैसे मेकअप किया जाए या कौन सा मेकअप किया जाए, बिकॉज ऑफिस में आई गेस आपको प्रेजेंटेबल दिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर कि आप यू नो ओवर मेकअप करके जाओ या बहुत ज्यादा बोल्ड मेकअप करके जाओ. ऑल्सो जो भी मेकअप होता है वो सब्जेक्टिव होता है. किसी को सटल पसंद है, किसी को मिनिमल पसंद है, किसी को आउट ऑफ द वे जाके पसंद है. बट फॉर मी ऑफिस लुक इज सटल लुक. आप अगर फाउंडेशन नहीं लगाओगे तो भी आप यू नो अच्छे दिख सकते हो. सो दैट इज माय टेक. आपको जैसा पसंद है आप कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर मूविंग टू द मेकअप, मेक श्योर अपना स्किन प्रेप कर लो, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो स्किन को और सनस्क्रीन लगा लेना, बिकॉज सनस्क्रीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सिटिंग जॉब है, बाहर की जॉब है, विंटर है, समर है, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव पुट द मॉइस्चराइजर, आई हैव पुट द सनस्क्रीन. सो मैं जो आज मेकअप करने वाली हूँ उसमें फाउंडेशन हम नहीं यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज एन ऑफिस लुक. सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता है हैवी बेस करने का. सो इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट टू हाइड योर डार्क सर्कल्स और थोड़ा सा ब्लश लगा लो, टिंट लगा लो, सो यू आर गुड टू गो. सो मैं जो शुरू करूंगी, मैं पहले शुरू करूंगी प्राइमर से. सो आई बी यूजिंग माई एवरी टाइम फेवरेट इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर. सो आई जस्ट टेक सम डॉट्स, ज्यादा नहीं यूज करूंगी. अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप ज्यादा यूज कर सकते हो, बट मुझे ये थोड़ा सा ही लगता है. सो आई जस्ट क्विकली यूजिंग द एज रिवाइंड कंसीलर. ड्रग स्टोर कंसीलर बहुत अच्छा कंसीलर है और मेरा जो इसमें शेड है दैट इज आई एम नॉट श्योर द शेड. I'll mention everything in the description, so you can check that out. Nykaa पे और सब पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट आते रहते हैं. वैसे कंसीलर आई गेस 500-600 रुपए का है, बट आपको डिस्काउंट में और अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो. सो आई जस्ट क्विकली, मैं ज्यादा नहीं लूंगी कंसीलर. जहां जहां पर भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं मैं वो एरिया कवर कर रही हूँ सिर्फ अपना. So this is the concealer which I am applying on these areas only. अब इसके बाद हम ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेंगे. So guys, done with the concealer, but before moving further, I'll just पैट दिस ब्रश ऑल ओवर माई फेस वंस, ताकि जो भी आपके कंसीलर के ब्रिसल्स रह गए हैं वो हम इवन कर दें एक बारी. सो जितना भी यहां पर मैंने जो ब्लेंड किया है आई जस्ट मूव इट थोड़ा सा बस ऐसे ही, ताकि इवन हो जाए जो भी आपने कंसीलर लगाया है और वो अलग से उसके पैचेस ना दिखें. तो आई जस्ट मूव इट. मैं इस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रही हूं, मैं बस इसी को ही मूव कर रही हूं. सो या दैट इज डन. अब इसको मैं लॉक कर लूंगी फेस पाउडर से. आप कोई भी फेस पाउडर ले सकते हो. आई एम यूजिंग द नायका वन कॉम्पैक्ट पाउडर और मेरा इसमें जो शेड है दैट इज 04 सैंड. आई डोंट लाइक टू यूज देयर पफ. आई विल टेक माई ब्रश थोड़ा सा मैं लेके जस्ट डैबिंग ऑफ द एक्सेस और मैं पहले अपने अंडर आईज पर उसको सेट कर लूंगी. Taking some product again, tapping off the excess, हल्के हाथों से just run it.
Don't forget your neck. And that's it. You can see जो मेरा पहले शक्ल था और जो मेरी अब शक्ल है. You can just change the game with concealer only. You don't need to waste your time putting foundation in the morning. So इसके बाद मैं लूंगी अपना brow gel. My everytime favorite, जो मेरे shorts देख रहे हैं उनको पता है कि every time I'm using this product only. This is Sculpt and Set और इसमें मेरा grey color है. मैं इस product का link दे दूंगी. So this product is genius. Just one stroke. Don't take too much product on your brow gel, or this is done. So that's the brows. अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा flush के लिए I'll use Blue Heaven Pop and Glow Cream Blush और इसमें color है Pink Tease. इसमें product बहुत कम use होता है. मैं जो भी cream blush होते हैं don't use it directly on your face because इनका payoff बहुत ज़्यादा होता है. So what I do is मैं सिर्फ इतना सा ये color लूँगी, सिर्फ ये ले रही हूँ मैं. I'll warm it here. यहाँ पर warm करके मैं इसको on my cheekbones, some on my nose, some on my chin. That's it. खत्म हो गया product. अब मैं इसको blend करूंगी अपने brush से. So after using the blush, your face gets some color, your face gets some structure, you look presentable. Now I'll complete the look with some mascara and some lipstick. I don't like to use kajal pencil or eyeliner every single day, but if you like it to aap laga sakte ho. Anyways, this makeup is subjective. Sabka apna apna tarika hai makeup karne ka, office ya kahin par bhi. So that's how I like it, and this is the easiest way. For lashes, I'll be using the Maybelline New York false lashes. So this is just the best and amazing mascara I've used so far. मेको एक Smashbox का पसंद और एक ये पसंद आया. इसके bristles बहुत प्यारे हैं. So I'll just do one stroke here and I'll let it rest for some time before doing the second coat. और उससे पहले हम अपने lips complete कर लेते हैं. For lips, I'll be using the Maybelline Sensational, the perfect nude lipstick. Nowadays my favorite. Its number is NU07. I'll tag it. आप जाके खरीद सकते हो. बहुत ही प्यारा और बहुत ही परफेक्ट न्यूड है फॉर इंडियन स्किन टोन्स. सो दैट्स द लिपस्टिक. यू कैन सी मैंने इसको दूसरी बार डिप भी नहीं किया है. द पे ऑफ इज जस्ट अमेजिंग. द कलर इज जस्ट द प्रिटीएस्ट. बट बिफोर एंडिंग एनीथिंग, लेट्स जस्ट डू द सेकेंड कोट. Wow, wow, this is so pretty. और अगर आप मस्कारा लगा रहे हो और अगर आपका मस्कारा ऊपर नहीं लगा तो आपको मस्कारा लगाना नहीं आता. Kidding guys. And voila, you're ready for your office in just less than 5 minutes. This is the most easiest makeup look you guys can do because जो दो सबसे messiest चीज है, foundation लगाना और eyeliner लगाना, वो हमने skip कर दिया है. आप वो दो चीजें ना करके भी presentable लग सकते हो. आप रोज ये makeup करोगे, अगर आपको इसके makeup की आदत पड़ जाएगी तो आप इसको 3 मिनट में भी कर सकते हो. Because I used to do this every time. मैं इसे मेट्रो में करती हूँ, मैं इसे कैब में करती हूँ, मैं इसे ऑफिस पहुंच के करती हूँ. सो दिस इज जस्ट माई एवरी टाइम गो टू मेकअप. आप इसमें लाइनर ऐड कर सकते हो, आप इसमें काजल ऐड कर सकते हो. बिकॉज एनी वेज मेकअप इज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स टू पर्सन टू पर्सन. और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाना. ऑल्सो मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ पूरे, आई गेस एवरी डे आई अपलोड द शॉर्ट्स. और दो टाइम भी होते हैं कभी कभी जहां पर आई यूज टू शेयर माई लाइफ स्टाइल, सम मेकअप हैक्स, सम फनी शॉर्ट्स विद माई हस्बैंड. सो गो चेक दैट आउट. एंड अभी के लिए साइनिंग ऑफ. बाय गाइज.